नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार दांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि सर में जो है रुचि हो जाती है, डैंड्रफ हो जाता है और जो है छिलने लगता है, तो उसके लिए क्या घरेलू उपचार करें। या दोस्तों, घरेलू उपचार क्या करें, इस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, रेड कलर का बटन है इसे भी दबाएं और सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बैल है उसे दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में व्हाट्सएप या फेसबुक किसी के भी माध्यम से आप जो है शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, रुचि से हम सभी कभी न कभी बहुत परेशान होते ही हैं, तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो जो है रुचि जो है उसको जो है किस तरह से घर में जो चीज़ें उसे ठीक करें। तो पहला उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, दही आधा कटोरी खट्टा ले और इसे अपने बालों को धोने के एक घंटा पहले बालों की जड़ों में अच्छी तरह से लगाएं। यहाँ दोस्तों, आधा कटोरी आपको दही लेना है, खट्टा दही, और इसे अपने बालों पे जो है लगाना है। नहाने से पहले आप लगाइए, आधा घंटे पहले लगाइए, ताकि जो है लगाने के बाद आपको जो है कम से कम आधा घंटा आपके बालों की जड़ों में रहे। और फिर इसे जो है आपको थोड़ी देर रखना है आपको, और रखने के बाद जो है करीब आधा एक घंटा आप और रख सकते हैं, आपकी इच्छा है। अगर आप चाहें तो आधे घंटे बाद धो सकते हैं या फिर एक घंटा भी रख सकते हैं। और फिर आप जो है शैम्पू करें और बालों को अच्छे से धोएं, इससे बालों की रूसी तो मीट ही जाएगी, साथ में बाल जो है रेशमी हो जाएंगे। इसका उपयोग जो है आपको जो है कैसे करना है, सप्ताह में जो है 2 से 3 बार करें। जी हाँ दोस्तों, 2 से 3 बार करना है। दोस्तों, अगला उपाय मैं आपको बता देता हूँ, कपूर और नारियल का तेल। यहाँ दोस्तों, 2 चम्मच नारियल का तेल लें, उसमें आधा चम्मच कपूर का चूर्ण मिला लें। यहाँ दोस्तों, 2 चम्मच आपको नारियल का तेल लेना है और आधा चम्मच कपूर का चूर्ण मिला ले, और फिर दोनों को आपस में अच्छे तरह से मिक्स कर ले, बिल्कुल मिला ले अच्छी से, और एक लेप तैयार कर ले। फिर इस लेप को अपने बालों और जड़ों में अच्छी से लगाए, और लगा के आपको 1 घंटे तक रखना है। फिर बाल को अच्छी से धोने, करीब 1 घंटे बाद धोना है आपको। तो इसको जो मसाज भी आपको करनी है, लेप भी लगाना है और 1 घंटे तक रखना है। तो ये था दूसरा उपाय। अब तीसरा उपाय मैं आपको बता देता हूँ, नींबू और सरसों का तेल। यह दोस्तों, 1 कप में 2 चम्मच सरसों का तेल ले, और फिर इसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिला लें, और फिर इन्हें मिक्स कर लें, और मिश्रण तैयार करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि ये मिश्रण केवल बालों को धोने से आधा घंटा पहले उपयोग करना है। मान लो कि अगर आप नहाने जा रहे हैं तो ठीक उससे आधा घंटा पहले इसको जो है आप इस्तेमाल करें अच्छे से, और फिर उसके बाद आपको आधा घंटे रखने के बाद इसे आपको धोना है। तो फिर जो है आपकी रुचि जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, बाल भी लंबे हो जाएंगे, डैंड्रफ भी ख़त्म हो जाएगा।
एलोवेरा जेल। बालों को धोने से पहले बालों में एलोवेरा लगाएं, इससे रूसी से राहत मिलेगी आपको। मेहंदी भी एक अच्छा उपाय है। मेहंदी का उपयोग बहुत पुराने समय से किया जा रहा है। पुराने ज़माने में सबसे पहले मेहंदी ही जो होती है उसका इस्तेमाल हमारे बालों में होता था, बालों में लगाया जाता था। बालों में नियमित रूप से मेहंदी लगाने से रूसी कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। बालों में नियमित रूप से मेहंदी कैसे लगाना है वो मैं आपको बता चुका हूँ मेरे एक प्रोग्राम के तहत, तो आप लगा सकते हैं कि शहर में मेहंदी कैसे लगाएं, क्या क्या सामग्री लगा मिलाए, इस बारे में मैं बता चुका हूँ, तो आप उसको देख लें। और अगर आप मिक्स कुछ नहीं करना चाहते तो सादी मेहंदी को भी आप भिगा के लगा सकते हैं अच्छी, और बिना केमिकल वाली मेहंदी लगाएं। बेकिंग सोडा अगला उपाय है दोस्तों। बेकिंग सोडा जो कि हर घर में पाया जाता है, ये रूसी में लड़ने में मददगार होता है। एक चम्मच सोडा लें और इसे अपने सूखे बालों में जो है जड़ों में लगाएं, 2 से 3 मिनट तक लगा के रख दें, फिर शैम्पू करके बालों को धो लें। इसे सप्ताह में 3 बार उपयोग करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको ज़्यादा नहीं लगाना है। जो आप अपने जो सूखे बाल हैं उसमें आपको ये लगाना है और 2 से 3 मिनट तक लगा के रखना है, यानी कि ठीक नहाने से 5 मिनट पहले आपको ये काम करना है और फिर आप नहा लें। रूसी को जड़ से ख़त्म करने का उपाय, मेहंदी जो है मेहंदी पैक, एक मुट्ठी जो है आप मेथी ले, मेथी खाने वाली मेथी होती है वो ले, और पानी में रात भर के लिए भिगो दे, फिर सुबह मेथी को अच्छे से पीस ले और इसका पेस्ट बना ले और पेस्ट बालों की जड़ों में लगाएं। 1 घंटे तक लगा कर रखने से बालों को जो है कम से कम 1 घंटा आप लगा के रखें और फिर इसे धो लें। 2 से 3 बार आप करें, आपको निश्चित रूप से आपके जो है जुड़ी जो रूसी से जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों, मेथी को आपको रात भर भिगाना है, सुबह उसका पेस्ट बना के आपको लगाना है। 1 घंटे तक आपको नहाने से पहले लगाना है, उसके बाद आपका रूसी का वेनेगर। जी हाँ दोस्तों, 2 टेबल जो है वेनेगर में 2 टेबल जो है पानी डालें, यानी कि सम मात्रा जो है विनेगर और पानी की डालें और बालों को गीला कर लें। और अब विनेगर के पेस्ट को बालों में मसाज करें, मसाज करना है दोस्तों 15 मिनट के लिए, फिर शैम्पू कर लें। इसका जो है आपको सप्ताह में 2 बार करना है। नीम का रस, जैसे कि हम जानते ही हैं कि नीम एक दवाई है, नीम का उपयोग दवाई के लिए किया जाता है, हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, बहुत ही औषधि है। मैंने इसके बारे में एक प्रोग्राम बनाया था, अगर आप अगर नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लें। उसी प्रकार हम लोग नीम जो होता है, नीम का उपयोग हम तरह तरह से करते हैं। नीम के पत्तों को बारीक पीस लें और इसका एक पेस्ट बना लें और पेस्ट बना के बालों में लगाएं, 10 मिनट के लिए छोड़ दें दोस्तों, और फिर शैम्पू कर लें। नीम के पत्तों को उबालकर उसके पानी से भी धो सकते हैं आप चाहे तो, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो ये भी एक अच्छा उपाय है। इससे आपको जो है बहुत राहत मिलेगी, आपके जो रूसी समाप्त हो जाएगी। संतरे, संतरे में विटामिन सी होता है, इसलिए संतरे के छिलके बालों के लिए फ़ायदेमंद माने जाते हैं, क्योंकि संतरे के छिलके में एसिड होता है जो बालों के लिए अधिक तेल को कम करता है। संतरे के छिलके और नींबू को मिक्सी में पीस लें और पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को बाल में लगाएं और 1/2 घंटे तक लगा के रहने दें, फिर बालों को धो लीजिए। इससे आपको जो है रूसी वो समाप्त हो जाएगी, बाल भी चमकदार हो जाएंगे, सब आपके बाल देखने लायक हो जाएंगे। सेब का सिरका, हमारे बालों में रूसी का एक कारण सेब जो है वो जो है कारण जो है वो सिर के पीएच मान में बिगड़ने से होता है। हमारे जो शरीर का जो पीएच मान वो अगर बिगड़ जाए तो जो है रूसी जो हो जाती है। सेब का सिरका
लाभकारी है। ये सिरे के ये जो है सेब का सिरा है जो वो सर के जो पीएच मान को संतुलन बनाए रखता है। सेब के सिरके के 2 बड़े चम्मच लें और फिर इसमें बराबर मात्रा में पानी लें और फिर जो है टी ट्री ऑयल की 15 से 20 बूंदें को मिक्स करें और सिर पे मालिश करें, कुछ देर बाद धो लें। इससे जो है आपकी जो है रूसी जो है समाप्त हो जाएगी। प्याज, बालों में रूसी हटाने के लिए रात को एक प्याज के गोल चिप्स में काट लें और रात भर पानी में भिगोएं। प्रातः प्याज निकाल कर फेंक दें और पानी को सिर में 15 मिनट लगा कर रखें। या दोस्तों आपको जो है वो जो पानी जो है प्याज का पानी है उसको सर में आपको लगाना है और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप नहा सकते हैं। काली मिर्च और सीताफल के बीज, 5 से 6 काली मिर्च तथा सीताफल के 10 से 12 बीज पानी में पीसकर देसी घी में मिलाकर मालिश करें। प्रातः सिर धो लें। आपको कुछ ही दिनों में फर्क नजर आएगा। बादाम रोगन, बालों में रूसी हटाने के लिए 1 भाग बादाम रोगन शीरीन में समान भाग सल्फर मिलाकर दोनों की मात्रा में बराबर सर्जिकल सिरप मिलाएं। अब इसमें 4 भाग डिस्टिल वाटर अथवा गुलाब जल मिलाकर सिर की त्वचा पर लगाएं और कुछ समय बाद बाल अच्छे से धो लें। ऐसा जो है आप अगर सप्ताह में 2 बार करते हैं तो आपके डैंड्रफ गायब हो जाएंगे, रूसी गायब हो जाएगी। रोजमेरी का तेल, रोजमेरी के तेल में कोई भी इत्र मिलाकर बालों की जड़ों में लगाएं। ये एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक है, रूसी का दुश्मन है। इसे मालिश करने से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप जो है मालिश आप करें, आपकी रूसी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों सर में जो है शरीर के जो पीएच मान बिगड़ने की वजह से ऐसा होता है। तो आप इस तरह से कीजिए, निश्चित रूप से आपकी जो है रूसी वो समाप्त हो जाएगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार।